दोस्तों हेल्थ अपडेट्स की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों सेहत पर भारी पड़ सकता है अंडा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ विशेषज्ञों की राय आई है जिसमें बताया गया है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अंडा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले किए गए बड़े शोधों के विश्लेषण से काफी हद तक दूसरे दावे की पुष्टि की गई है। हाल ही में 6 बड़े अध्ययन में जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 30,000 लोग शामिल किए गए थे और करीब 17 वर्ष तक यह अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि रोजाना 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा 17% बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में विभिन्न कारणों से असमय मौत का खतरा 18% अधिक होता है। एक अंडे में 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। यह पूरा कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर के पीले हिस्से में होता है। हर दिन आधा अंडा खाने से दिल की बीमारी का खतरा 6% और औसत मौत का खतरा 8% तक बढ़ जाता है। अध्ययन में कारण और प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि व्यक्ति कितना ही संतुलित और अच्छा भोजन करे, अंडे के सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला हेल्थ अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टीबी की बीमारी को लेकर। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे टीबी का पूरी तरह से इलाज हो सकेगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेट्रोडेम के शोधकर्ताओं के अनुसार ट्यूबरक्लोसिस में संक्रमित कोशिकाओं से निकलने वाले एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स से टीबी को हराया जा सकता है। इससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। अध्ययन के अनुसार टीबी के उपचार के लिए यदि एंटीबायोटिक के साथ ईवी का इस्तेमाल हो तो बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। इसका परीक्षण चूहों पर किया गया जो कि सफल रहा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला हेल्थ अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बहुत अधिक साफ सफाई के नुकसान को लेकर। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखने से व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा रहता है, हालांकि जरूरत से ज्यादा सफाई घातक भी हो सकती है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि इससे कीटाणु एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं जिससे उन पर दवाओं का असर बंद हो जाता है। ऐसे कीटाणुओं के संक्रमण से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास के वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन जगहों पर साफ सफाई व हाइजीन का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है वहां सूक्ष्म जीवों की विविधता घट जाती है जबकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हाल के दिनों में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके कीटाणुओं से होने वाली जानलेवा बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। ऐसे में ताजा शोध बहुत ही चिंताजनक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये हैं इस हफ्ते के हेल्थ अपडेट्स। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार। भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज की जानकारी पाएं सबसे पहले।